नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ अपडेट्स लेके आया हूँ, कुछ कंपनीज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो मूवमेंट मैंने आपको बोला था वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो भी आप सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके सारे डिटेल्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा डीपॉक नाइट्राइट के बारे में। तो देखिए, डीपॉक नाइट्राइट के बारे में मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ, और मैं आपको एक रेंज बता रहा हूँ कि उस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो एक बड़ा रैली आपको दिखेगा। तो पिछले दिनों में देखिए शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला था 9.5% के आसपास। तो अचानक इस तरीके से तेजी होने के पीछे कोई ना कोई तो मतलब ठूस कोई ना कोई एक कारण होना चाहिए। तो वो कारण मैं आपको यहाँ पे जरूर दिखाऊंगा। तो उससे पहले कंपनी के डिटेल्स आप देखिए। तो जब से कंपनी स्टार्ट हो तब से लेकर आज तक कोई भी रेड कैंडल आपको नहीं दिखेगा। तो आप कंटिन्यूअसली देखेंगे, देखिए हर जगह पे आपको हरा कैंडल दिखेगा, और कंटिन्यूअसली कंपनी स्टैंड अप एक परफॉर्मेंस दे रहा है। तो कंपनी 11,800% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो कंपनी कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, एक रेंज यहाँ पे, एक रेंज यहाँ पे बन रहा था, जो रेंज यहाँ पे कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर था। वही रेंज को कंपनी ने पिछले दिनों में ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट किस तरीके से किया, चलो मैं वो आपको दिखाऊंगा। उससे पहले न्यूज कौन सा है वो देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलो पहले सबसे पहले मैं आपको न्यूज दिखा देता हूँ। देखिए, सेबी के मतलब अकॉर्डिंग कंपनी के अंदर कुछ भी हो रहा है तो उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो बीएससी की वेबसाइट से मैं इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके लेके आया हूँ। देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक अपडेट है, जिस अपडेट के चलते कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेबी के रूल्स के हिसाब से कंपनी ने एक मतलब इन्फॉर्मेशन पब्लिश किया। देखिए, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट कंपनी होल्ली ओनर्ड सब्सिडरीज। इसका मतलब कंपनी एक नया कंपनी के पूरा का पूरा सब्सिडरीज को खरीद मतलब एक कंपनी को पूरा का पूरा खरीदारी कर ले, मतलब एक सब्सिडरीज कंपनी को खरीदारी कर ले, जिसका नाम है दीपक, यहाँ पे देख सकते हैं, कैम टेक लिमिटेड। तो दीपक कैम टेक लिमिटेड जो है, इस कंपनी का पूरा हिस्सेदारी किसने खरीदारी की है, दीपक नाइट्राइट ने। और इसको खरीदने का जो मकसद है कंपनी का, वो भी आपको जानना जरूरी है। देखिए, इस तरीके से मतलब एक्चुअली इस दीपक केमिकल टेक लिमिटेड को पहले से ही कंपनी खरीद कर रखा, और इस केमिकल कंपनी के माध्यम से, टेक केमिकल कंपनी के माध्यम से कंपनी को एक बड़ा डील मिला, और बड़ा डील साइन अप हुआ, और वो भी देखिए गुजरात का मतलब गवर्नमेंट से, गुजरात गवर्नमेंट से एक बड़ा डील साइन हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं, साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए, इसको मूव कहा जाता है। तो मूव तब साइन किया जाता है जब फाइनली कोई प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो कितने अमाउंट्स के प्रोजेक्ट है आप देखेंगे तो 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और वो भी नेक्स्ट 4 ईयर्स। सेटिंग अप प्रोजेक्ट इन इन्फा, यहाँ पे देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी केमिकल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेनॉल एंड एस्टोन जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। तो एक बड़ी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कंपनी 5,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट करने वाले है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट मिला, और वो भी गुजरात गवर्नमेंट के साथ। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट के साथ अगर डील होता है तो एक पॉजिटिविटी हमेशा मिलता है। देखिए, आप कहेंगे सर गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर प्रोजेक्ट मिलता है तो पैसा टाइम मतलब ज्यादा टाइम लगता है पैसा पैसा पाने में। हाँ, ये बात भी सही है। दूसरे बात ये भी आपको देखना है कि कंपनी जो प्रोजेक्ट में मिल रहा है उसमें गवर्नमेंट का बहुत सारे टैक्सेस में छूट मिलेगा, बहुत सारे जगह पे जब काम करेंगे तो गवर्नमेंट उसको हेल्प करेगा। देखिए, आई भी आप मान के चलिए कोई भी गाड़ी सर्विसेज देते हैं, मान के चलिए कोई भी गवर्नमेंट गाड़ी सर्विसेज देंगे तो रास्ते में किसी भी जगह पे आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने बोर्ड लिखा गया है कि सर्विसेज बाई गवर्नमेंट। तो इस तरीके से दिक्कत इसको झेलना नहीं पड़ेगा। तो एक पॉजिटिव साइंस कंपनी का फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, और यही वजह के मतलब यही कारण के वजह से कंपनी के एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिला। जो रैली मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा वो आप देखते जाएंगे तो धमाका जैसा परफॉर्मेंस कंपनी किया। देखिए, मैं पहले भी आपको बोल चुका था यहाँ पे एक रेंज ट्रायंगल जैसे रेंज पैटर्न बन रहा है, तो मैं पिछले वीडियो में भी आपको अपडेट दिया था। अगर आप मेरे पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता ही है, तो मैं आपको बोला था कि यहाँ पे एक रेंज बनता है, वो रेंज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेंज एक वॉल्यूम के हिसाब से ब्रेकआउट होने वाला है। मैं अगर 1 डे कैंडल पैटर्न के हिसाब से आपको दिखा दूँ, देखिए किस तरीके से वॉल्यूम हुआ। अब एक बार वॉल्यूम चेक करेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। प्रीवियस इस तरीके से वॉल्यूम आपको कई भी मतलब बहुत मतलब पहले जून माह में देखने को मिला था, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक बार वॉल्यूम हुआ। देखिए, जून माह में जो वॉल्यूम हुआ था, मैं एक बार आपको मेंशन कर दूं,
देखिए जून मंथ में जो वॉल्यूम होता है इस टाइम में देखिए वॉल्यूम होने के बाद स्टॉक के ऊपर कितना शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वॉल्यूम होता है इस रेंज में और इसके बाद देखिए किस तरीके से रैली देखने को मिला। मुझे भी लगता है यहाँ पे जो पिछले दिनों में वॉल्यूम हुआ था, जो तेजी देखने को मिला, जो बायर एक्टिव हुआ था, मेरे हिसाब से एक बड़ा रैली देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा मुझे इस जगह पे थोड़ा सा मतलब एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो रेजिस्टेंस कंपनी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत बन सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो लेवल रहेगा 2346 का जो रेंज है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर उसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगा अराउंड अराउंड 2645 के आसपास। एक बड़ा सा रैली आपको देखने को मिलेगा। एज ए स्विंग ट्रेडर्स आप ऑब्वियसली एंटर मतलब जरूर ले सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं कहूंगा यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो उसके बाद अगर फिर से रिवर्सल कोई कैंडल दिखे तो आप जरूर वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं एज ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। मैं टेलीग्राम में सारे अपडेट्स आपको दे दूंगा। ये था फर्स्ट कंपनी। सेकेंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है वीवीएल, मतलब वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो इसके बारे में चार्ट पैटर्न में मैं बात करूंगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न में पिछले दिनों में आपको बोला था कि इसका चार्ट पैटर्न कुछ ट्रायंगल जैसे पैटर्न बन रहा है। ट्रायंगल पैटर्न जब बनते हैं तो हायर चांसेस होता है कोई भी ब्रेकआउट में आपको एंट्री लेना है। तो देखिए मैं आपको बोला था कोई भी साइड में ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट कन्फर्म होने दीजिए। उसके बाद अगर नीचे साइड में ब्रेकडाउन होता है तो उस कैंडल के नीचे से आप एंट्री ले सकते हैं सेल साइड में। ऊपर साइड में अगर ब्रेकआउट होता है तो उस कैंडल के हाई के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। देखिए दोनों तरीके से यहाँ पे ब्रेक डाउन भी हुआ था और यहाँ पे ब्रेक आप भी पिछले दिन में हुआ, इसका मतलब दोनों साइड पे अभी भी कन्फ्यूजन है। मगर एक चीज मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, जो प्रीवियस जो कैंडल्स है उसके जो वॉल्यूम्स था और अभी जो कैंडल बना पिछले दिनों में उसका जो कैंडल है, दोनों में बहुत अंतर है। और आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे जो ब्रेकआउट है बहुत बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट मुझे देखने को मिला है। देखिए मेरे एंट्री लेवल बहुत पहले से ही था, मैं इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेने के लिए आपको बोला था और मेरा स्टॉप लॉस इस जगह पे था और मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का है। तो मैं पहले भी आपको एंट्री लेवल दे दिया था टेलीग्राम में। जितने सारे दोस्त टेलीग्राम को मतलब मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखे हैं उसको पहले से ही पता है मैं कौन सा लेवल में आपको एंट्री दिया था। तो इस अपडेट के बारे में मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि किस तरीके से वीवीएल के ऊपर ग्रोथ फ्यूचर में आने वाला है और किस तरीके से जर्नी फ्यूचर वो दिखाएगा। देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, वीवीएल एक नंबर वन कंपनी है बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में और इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हर बच्चे बच्चे भी जानते हैं इसके प्रोडक्ट के बारे में। तो पेप्सी हर किसी को जानते हैं, माजा, साथ ही साथ माउंटेन ड्यू और भी देखिए एक्वाफिना, इस तरीके से जो इसका जो प्रोडक्ट है वो हर कोई जानता है। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर कुछ दिनों से जो लगातार तेजी आ रहा था उसके पीछे एक कारण था, वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। अगर ध्यान से देखेंगे इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में तो एक चीज आप मेंशन में जरूर कहूंगा, कंपनी इस बार क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक मतलब पब्लिश नहीं किया, कंपनी पब्लिश करने वाला है जल्द से जल्द। तो कंपनी इसके जो रिजल्ट है कंटिन्यूसली जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है उस हिसाब से बताया जा रहा है कि इस बार भी कंपनी का अच्छा खासा रिजल्ट आने वाला है। उससे पहले कंपनी एक अपडेट दिया जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो अपडेट दिया है बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर, तो पूरा क्रेडिट मैं बिजनेस स्टैंडर्ड को दूंगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा सेल एंटर स्टेक इन महिंद्रा सीआईई एट 457.6 शेयर। तो 457.6 ए शेयर, तो इसका मतलब जो इसका जो मतलब महिंद्रा महिंद्रा सेल कर चुके हैं एंटर स्टेक मतलब खुद का जो स्टेक है उनमें से कुछ स्टेक यहाँ पे महिंद्रा सीआईई के ऊपर यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, बेच दिया। अब ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए महिंद्रा महिंद्रा वेडनेसडे के दिन यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके सेलिंग इट्स एंटर 3.195% स्टेक, मतलब कितना 3.5% सॉरी 3.19% के आसपास यहाँ पे स्टेक बेचा इन महिंद्रा सीआईई को। तो इन ए फाइलिंग मतलब सेबी के जो फाइलिंग किया उस फाइलिंग में यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी सेड दैट द सेल हैज बीन एग्जीक्यूटेड एट द ग्रॉस प्राइस ऑफ ₹447 पर इक्विटी शेयर। तो कंपनी इस प्राइस के रेंज के हिसाब से इक्विटी शेयर को बेचा है। तो कंपनी का जो टोटल शेयर है उनमें से कितना इक्विटी शेयर बेचा आप ध्यान से देख सकते हैं, कंपनी अराउंड अराउंड 1,21,00,000 से भी ज्यादा इक्विटी शेयर यहाँ पे क्या किया है, बेचा गया है, जो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 3.19% है। तो क्या इस सेलिंग के कारण स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। देखिए पिछले दिनों में अच्छा खासा सेलिंग होने के बाद भी स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ
आपको इस तरीके से डेटा के ऊपर पैनिक नहीं होना कर, मतलब पैनिक नहीं करना चाहिए। तो महिंद्रा महिंद्रा जैसे कंपनीज के ऊपर तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे बेस्ट ऑफ व्यू से धमाका परफॉर्मेंस लगा। तो आपका क्या कहना है मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम आप देख सकते हैं, जिसका नाम आप देखेंगे बर्धमान स्पेशलिटी स्टील लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में आज की बात कर रहा हूँ क्योंकि 400 के ऊपर चलने वाला कंपनी, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी का धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला है। 1400% के आसपास कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं, कंटिन्यूअसली यहाँ पे बाई मोमेंटम देखने को मिला। तो कंपनी एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। अपडेट क्या है देखिए, इस तरीके से शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद कंपनी फर्स्ट टाइम, कंपनी देखा जाए तो फर्स्ट टाइम नहीं, कंपनी सेकेंड टाइम, माफी चाहता हूँ, कंपनी फर्स्ट टाइम बोनस यहाँ पे अनाउंसमेंट किया, और बोनस का जो डेट है वो कल आपको बोनस मिल जाएगा 1:1 का। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो आपको बना के दिया था कि मैं आपको बोला था कि 1:1 का बोनस यहाँ पे मिलने वाला है, तो इसके लिए जरूर इंतजार करना। तो जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो उसको एक के बदले एक शेयर मिल जाएगा, और उसके हिसाब से प्राइस भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। अभी मान के चले 400 है, कल कल अगर 400 में क्लोजिंग हुआ तो प्राइस हो जाएगा 200 के आसपास। तो ये था कुछ अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अगर अच्छे लगे, तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन अगर और बेस्ट लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।